Welcome back to another vlog. As promised, I'm gonna be putting up vlogs regularly now. So this is the second vlog now on the way. Hum log aaj basically weekend pe ja rahe hain to kayaking. I'm going with my friends. I've requested my friend to drive my car so that I can make vlog. Because Australia mein naya rule aa gaya hai driving ka ki I cannot touch my device. I cannot use phone or I cannot even do anything. So I was like, you know what? I need to make this vlog. So I requested my friend कि आप प्लीज़ मेरी गाड़ी चला लें और क्योंकि हम कार पूलिंग तो करते रहते हैं सो या सो राइट नाउ वी आर ऑन द वे टू दिस प्लेस इन फेयर फील्ड इट्स कॉल्ड द कयाकिंग क्लब आई थिंक आई हैव नेवर बीन देयर दिस इज माई फर्स्ट टाइम बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग पहले जा चुके हैं इधर सो लेट्स गो हैव अ लुक देयर वहाँ पे ब्रंच के लिए कैफे भी है और दे ऑल्सो हैव अ क्लब वेयर यू कैन यू नो हायर बोट्स एंड स्टफ I don't know much about it. I'm just going for the first time, so I'll take you guys there. Okay, let's go. ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी लंबी ड्राइव पर निकलूं और वो भी ऑस्ट्रेलियन समर्स के टाइम पर और स्लर्पी ना लूं? मतलब ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि ये सबसे फेवरेट ड्रिंक है मेरी इवन दो इसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं बट स्टिल मेरी फेवरेट है तो भाई मैं अपने सफ़र में इसको ज़रूर लेके चलती हूँ स्पेशली समर्स में तो मैं ज़रूर पीती हूँ जैसे ही हम मेलबर्न के ईस्टर्न सबर्ब्स में एंटर होते हैं यहाँ की वाइब भी अलग है मतलब यहाँ सब ग्रीन ग्रीन है और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ ऐसा लगता है जैसे बैरन एरिया है ये रास्ता मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को कि देखें कितना हसीन है यार मतलब यहाँ जिनके घर होंगे माशाल्लाह से वो लोग बहुत लकी हैं कि इतना अच्छा उनका रोड है आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल तो जनाब जगह का नाम है फेयरफील्ड बोट हाउस और ये फेमस है फॉर कायाकिंग एंड बोटिंग एंड आई थिंक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जिसके बारे में काफ़ी हमने नाम सुना है सो लेट्स गो अहेड चलें फिर इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं मगर जाते जाते एक बात सुनाती हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी वो कहते हैं ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से खलूस से अपनायत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से I just cannot wait to be part of this. I swear it's so lovely. Why I never knew about this place? It's called the Fairfield Boat House. Look at that. There's a place for you to sit down, have cafe. So they have a cafe. You can have brunch. You can sit here. Oh my God, it's so beautiful. I cannot wait to be on the boats. Come. This is Haseen. This is so beautiful, guys. Chalo bhai, ab boating karte hain. Let's go. जी तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ एंट्रेंस पर ही लिख दिया है कि भाई नो फूड फ्रॉम आउटसाइड अच्छा बाबा हम नहीं ला रहे खाना बाहर लेकिन चले अंदर तो चलते हैं ना देखते हैं क्या है ऐसा भी क्या है कि इतना रश है इधर आई मीन आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि फुल्ली क्राउडेड स्पेस है जिसका मतलब तो यही होता है कि इट्स अ फेमस स्पॉट बट मैं पहली दफ़ा आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता बट मेरा बड़ा दिल कर रहा है जगह को देख के कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आर्या को ज़रूर लेकर आऊँगी So our friends are in the line because they are giving order here. So मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ एरिया बहुत प्यारा है इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड आई फील लाइक आई शुड हैव ब्रॉट आर्या बट वो है नहीं मेरे पास आज बट इट्स सो ब्यूटिफुल हियर गाइस लुक एट इट इट्स लाइक अ वेरी टूरिस्टी प्लेस एंड या लेट्स गो डाउन ओके आई विल टेक यू डाउन लेट्स गो Oh my God! Look at that. There are rides for the kids. ये इनकी कवर्ड आउटडोर सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ आप इवेंट्स की बुकिंग भी करा सकते हैं जैसे कि अभी किसी की 13th बर्थडे पार्टी हो रही है एज यू कैन सी इट्स अ लवली प्लेस गाइस अगर आप लोगों की फैमिलीज आ रही हैं पाकिस्तान से जो मेलबर्न में रहते हैं उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ तो प्लीज़ उनको यहाँ ज़रूर लेकर आएँ इट्स अ फन एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी हम सब ने प्लान ये किया था कि हम यहाँ पे आके पहले ब्रंच करेंगे और उसके बाद हम अपनी कयाकिंग की जो बोट्स हैं वो बुक करा के वील डू द एडवेंचर सो या वी जस्ट हैविंग ब्रंच राइट नाउ
तो अभी हम लाइन में खड़े हैं क्योंकि अभी हमें कायाकिंग बोट की जो बुकिंग है वो करानी है. वी हैव टू गेट अ टिकट फॉर एवरीवन. 1 आवर आई थिंक $34 है, और उसके बाद अगर आप घंटा ऐड करते जाएंगे तो हर घंटे का आपको $9 पड़ेगा. ये वो जगह है जहाँ पे आप टिकट लेते हैं, एंड वंस यू हैव द टिकट देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट रूम वेयर यू विल गेट द सेफ्टी जैकेट एंड ऑल्सो द पैडल्स फॉर कयाकिंग. We have been given the jackets, so now trying to wear them. Yeah, let's go. After taking the kayaks down, now it's time to decide who's sitting with whom, because it has to be balanced. Especially हम चाहते थे कि दो लड़कियां साथ में ना बैठें, क्योंकि दोनों अगर थक गईं तो फिर कौन करेगा पैडलिंग, बिकॉज इट इज डेफिनेटली वेरी टायरिंग जॉब. So we've already got the paddles and now we are setting up the boats and उसके बाद हम उन पे चढ़ेंगे. अभी मैंने अपनी जैकेट खोली हुई है बिकॉज आई नीड टू यूज माई फोन. नाउ वी आर गोना गो. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग गाइस. आई एम इन द बोट, लुक एट इट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ओह माय गॉड, This is so beautiful. मैंने कायाकिंग फर्स्ट टाइम ट्राई की टुडे, बट दिस एक्सपीरियंस वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑनेस्टली अब मुझे एहसास होता है कि मैंने ज़िंदगी जीना अब सीखी है. रेस्टोरेंट्स, ग्लैमर और फैंसी लग्जरी लाइफ को साइड पर रखकर कभी ऐसा एडवेंचरस हेल्दी एक्टिविटी करें तो आपको भी फील होगा वॉट यू हैव बीन मिसिंग ऑन. दिस व्यू, दिस ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर, दिस प्लेस इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. दिल ही नहीं कर रहा था वापस जाने का. हमने 2 घंटे कयाकिंग की इधर और बहुत मज़ा आया. सीरियसली सच्ची बताऊँ तो मैंने कयाकिंग कम और मेरे फ्रेंड ने ज़्यादा की थी. मैं तो सिर्फ व्यू देखते और व्लॉग बनाने में ही बिजी हो गई थी. पर चलें भाई, अब टाइम हो गया है कि अब हम वापस जाएँ. सो लेट्स गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. गाइस, मेरा जो ये उजड़ा हुआ चमन है ना, आज मुझे ब्लो ड्राई करने का टाइम नहीं मिला बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड. मॉर्निंग, शी लिव्स इन लंदन. सो मैंने कहा चलो यार, खैर है, होता है, इट्स ओके, फाइन, कोई मुझे जज नहीं करेगा अगर मेरे बाल बने हुए नहीं होंगे आज. बट एनीवेज, अभी मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी जा रही हूँ. मैंने आप लोगों को ये बताना था कि यार ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिससे आपको लगता है कि यार आपकी कैपेबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, यू नो, नाउ यू कैन नॉट इवन मूव. बट आई फील लाइक दैट्स नॉट ट्रू. ट्रेन जा रही है भाई, मैं हूँ फुट्सक्रे में अभी, मेरी यूनिवर्सिटी इधर. सो आई एम गोइंग राइट नाउ टू माई यूनिवर्सिटी. मैंने गाड़ी पार्क किया क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो पार्किंग है ना वो फ्री की नहीं है. So I have to pay money and I don't want to do that. So I found the free parking closer. वहाँ से 5-7 मिनट की वॉक होती है. और अभी वही कर रही थी. मैंने कहा आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि मैं फारिग नहीं होती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ फुल टाइम. आई डू फुल टाइम स्टडीज. एंड आज आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखाती हूँ, क्लास भी दिखाती हूँ, सब दिखाती हूँ. मैं एक्चुअली सुबह शावर लिया तो मैंने बिल्कुल, मैंने बस कंघी फेरी है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया. ये खुद ही ड्राई हो रहे हैं. मेरे पास बैंड है, सो हम गोना टाई देम अप. इट्स ओके. माई यूनिवर्सिटी बड़ी प्यारी है, मुझे ये वाली जगह बड़ी प्यारी लगती है. लुक, इट्स सो नाइस. लेट मी शो यू माई यूनिवर्सिटी. ओके चले जी. जिनको पता होगा ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है जी, तो उफ़, दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई थिंक दिस द मेपल ट्री. या इट्स ब्यूटिफुल, लुक एट इट. एनीवेज, मैं अभी चलती हूँ अपनी क्लास की तरफ. मैं लेट हो गई हूँ, मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ, बट इट्स ओके. यार ये बहुत प्यारी जगह लगती है, जो एंट्रेंस है ना ये मेरी फेवरेट है. गेट इट. ये हमारा कैफे जो भी बंद हुआ है, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है भाई. हाय, अभी मैंने 3rd फ्लोर पे जाना है. आई एम गोना टेक अ लिफ्ट, मेरे में हिम्मत नहीं हो रही अभी. मैंने सुबह नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया. सो यस, लेट्स गो. ये हमारी यूनिवर्सिटी है, आपको दिख रहा होगा, अच्छी खासी है. इट्स नाइस, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है. हाय, नाउ गोइंग टू
So this is what it is. Chale ji. Level 3 pe chalte hain. Khul ja sim sim. Khul ja sim sim. इस एज में यूनिवर्सिटी आके बहुत रिफ्रेशिंग लगता है. ऐसा लगता है जैसे बचपन की जो यादें हैं ना वो ताज़ी हो रही हैं. यहाँ पर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में ना डाइवर्सिटी बहुत है, जो कि बहुत अच्छी बात है बिकॉज इट हेल्प मी रीगेन माई कॉन्फिडेंस. मैं बहुत शैटर हो गई थी जब ऑफकोर्स मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं, बट नाउ आई एम प्रीटी गुड. आई नो हाउ टू स्पीक. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट टू टॉक टू एनीबडी. मुझे लगता है इट्स ऑल योर कॉन्फिडेंस दैट टेक्स यू एवरीवेयर. चलिए जी, मेरी क्लास आ गई है, मैं दिखाती हूँ आपको. सो आई एम हियर. वो जो दरवाज़ा खुला है ना वो मेरी क्लास का है. अंदर पढ़ाई हो रही है, सो आई एम नॉट गोना मेक अ वीडियो, बट आई विल गो इनसाइड. ओके बाय. तो जनाब ये है हमारी यूनिवर्सिटी का रेस्टोरेंट जहाँ स्टूडेंट्स ही खाना बनाते हैं और सर्व भी करते हैं. इट्स वेयर दे लर्न. और आज उन्होंने हमारे लिए चिकन पामा बनाया है. मुफ्त का नहीं है, वी हैव टू पे फॉर दिस, बट we enjoy with the view. Hi guys, please ghar ki halat ko mat gaur kijiyega. Actually meri friend ki birthday thi and you know I couldn't like do anything. So then I asked her, you know, do you want to go for dinner? So my friend said nahi, she wants to go to shisha. To main hum casually ready hain because me and my friends are going out for shisha. Jinko nahi pata shisha hookah ko kehte hain. और यहाँ पे आपको ऑप्शन होती है कि आपने हर्बल करना है या निकोटीन के साथ करना है. सो आई प्रेफर हर्बल बिकॉज यू नो आई एम नॉट एडिक्टिव टू इट और ऐसी कोई चीज़ नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू नो जब हम फ्रेंड्स साथ बैठते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है. सो दैट्स व्हाट वी आर रेडी फॉर. आई एम जस्ट नॉर्मली कैजुअली ड्रेस्ड अप. आर्या भी है. हाय आर्या. हेलो आर्या. आर्या नो शी डजंट वांट टू टॉक. हेलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है. ओके घर की हालत बहुत बुरी हो रही है, बट आई एम जस्ट इन माई कैजुअल ब्लैक टी शर्ट. आई थॉट आई विल टक इन, बट आई डोंट नो टक इन करूँ नहीं करूँ. एंड आई एम गोना आई एम वेयरिंग लाइक माई गुची एस्पेडरल्स, बट मेरा दिल नहीं कर रहा. आई जस्ट वांट टू वेयर इट लाइक दैट. आई विल शो यू बिकॉज द पैंट्स आर बेल बॉटम, सो आई फील लाइक समथिंग लूज एंड देन यू नो लाइक इट्स अ वेरी कम्फी वेयर बिकॉज बाहर गर्मी भी बहुत है. मैं बैग दिखाती हूँ मैं कौन सा पहन रही हूँ. एक्चुअली मैं बैग पहन रही हूँ ये वाला. सो आई हैव अ रेड बैग दैट्स गोना बी पॉपिंग आउट आई थिंक. लेट्स गो. आर्या हमें हमारी फ्रेंड पिक कर रही है, सो आई एम गोना गो. ओके गाइस आई विल सी यू देयर. बता दी चलूँ हम जा रही हैं एक कैफ़े यहाँ पे समर इन मुनी पॉन्स कॉल्ड हफ्ता. So they have desi food as well, but I'm not interested in food right now. So we're just gonna have like maybe snacks, munching ke liye, and drinks and shisha. So yeah, let's go. So this is the restaurant called Hafta. It's somewhere in the Muni Ponds. It has all the desi food and also they make really good shisha. Bas hum friends ka plan tha ki hum yahan pe aake thoda chill scene karne aaye hain. So yeah, let's just have shisha. गुड मॉर्निंग जनाब. तो आर्या का लंच बना लिया है. ये सारी आर्या की पसंद की चीज़ें हैं, तभी मैंने उसको लंच में ये देना शुरू किया. बिकॉज पहले जो मैं देती थी ना उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था, कुछ भी खाती नहीं थी, बिल्कुल छोड़ के आती थी. अब माशाल्लाह से ये है कि सब फिनिश करके आती है. मेन आइटम है, साथ में स्नैक्स हैं, फ्रूट है और फिर मीठा है. तो बस आई थिंक दिस इज़ गुड इनाफ. चलें जी पैक करते हैं भाई और उसके बाद रोटी को उठाते हैं. Hey guys, hope you all doing good. सुबह को I woke up and I dropped Arya to school. Of course, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, बट हमारी नॉर्मल रूटीन बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई खास बात नहीं होती. वीकेंड्स आर दी ओनली डेज वेन वी गो आउट एंड डू एडवेंचर्स, बट अदरवाइज लाइफ इज लिटरली सिंपल. बट अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकवा नहीं है जिंदगी से, जैसी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है. अभी मैं एक्चुअली वापस आई हूँ. यू कैन सी द स्वेट ऑन माई फेस. आई एम सो सॉरी. आई जस्ट डिड माई 1 आवर वर्कआउट और अब मैं घर जाने वाली हूँ. आई हैव टू कुक, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू क्लीन द हाउस. सो लेट्स गो अहेड एंड यू नो फिर आज आई थिंक हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल से फिर आई विल स्टार्ट अ न्यू व्लॉग. ओके सो आई विल सी यू गाइज एट होम. बाई.